अब हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ वाला क्वेश्चन। तो क्या है फाइव, इधर पे ही सॉल्व करूंगा बच्चों क्योंकि ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। तो फाइव इंटू क्या आएगा देखो, फाइव इंटू कॉस स्क्वायर 60। कॉस 60 कितना आता है बच्चों? कॉस 60 वन बाय टू का स्क्वायर प्लस 4 सेक 30। सेक 30 बोले तो 1 अपॉन कॉस 30। कॉस 30 आता है रूट 3/2। तो ये क्या आएगा 2/√3 ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस टेन 45 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30। ये तो आएगा 1। क्यों? मैंने आइडेंटिटी यूज़ किया बच्चों, देखो उधर, हाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 आता है। अगर आपको नहीं समझा तो फिर भी आप लिख के लो फिर 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस कॉस 30 कितना आता है √3/2 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके ठीक है, तो सॉल्व करेंगे 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 4 ठीक है 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय टोपी गया टकला माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का टोपी गया टकला 3, 2 का स्क्वायर 4 ठीक है बच्चों। तो होप सो आपको समझा होगा। अब क्या करूँ इधर में, अब देखो इधर पे करूँगा 5 1 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 4 16 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय इधर पे क्या बचेगा 4। बेस सेम है बच्चों, बेस सेम है। ऊपर क्या आएगा 3 + 1, 3 + 1 कितना आएगा 4। ये 4 को 4 गया, नीचे कितना बच गया 1। तो मैं तब से बोल रहा था आपको कि इधर 1 आएगा ठीक है बच्चों। तो फिर भी सॉल्व करके दिया दे दिया डन ठीक है। अब क्या आएगा 5/4, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 ठीक है। 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, ये 3 से इधर मल्टीप्लाई होगा, 4 से इधर मल्टीप्लाई होगा। 5 3 = 15, 16 4 = 64 डिवाइडेड बाय 4 3 = 12 ठीक है माइनस 1। ओके बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये 15 + 64 कितना आता है 15 9, 6 और 1 7 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 1 ठीक है। इधर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 12 1 = 12 79 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12 तो ये कितना आएगा 9 में से 2 गया 7 बाकी, 7 में से 1 गया 6 बाकी, 67 डिवाइडेड बाय 12। दिस इज़ योर राइट आंसर ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच, हमारा 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन इधर कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।